बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बुद्धि का सौदागर। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। उसके पिता ने उसे बहुत काम की चीजें सिखाई थी। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने शहर जाने के लिए सोच लिया। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के के दुकान के आसपास और भी कई तरह की दुकानें थीं, जैसे फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकने लगी है। लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और बहुत ही उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब, आओ आओ लेके जाओ। काफी दिन बीत गए, बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। उसे लगा कोई फल या सब्जी का नाम होगा। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख ही कहते हैं, क्यों ना कुछ बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? सौदागर बोला, मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जितनी बुद्धि आए और जिस तरह की आए मुझे दे दो, सेठ के लड़के ने बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और गुस्से में बोले, मूर्ख, एक पैसे में ये क्या लाया है? यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे हों तो उन्हें वहां खड़े होकर देखना अकल की बात नहीं होती। तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को खूब बुरा भला कहा, तुम लोगों को ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने बोला। ठीक है, तो यह लो अपना कागज का फटा हुआ टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। मुझे पर्ची नहीं चाहिए, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया, बात मार पीट तक पहुंच गई। वहीं सेठ का बेटा खड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन वह करारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची,
दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वे उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना, बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपया लगेगा। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कमरे में, दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर राजा को मारने के लिए सोचा। उसने राजा की दवा में जहर मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास ही रखा था कि उस पर खुदे शब्दों पर उसकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, महाराज माफ कर दीजिए। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। शुभ रात्रि।